सबसे अहम काम जो चांद रात का था ना, जिसमें रश में हमने पहले क्रॉस बहुत 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 प्यारी मेहंदी लगी है। ये मेरा मोटिवेट है सीरियसली, मैं करती हूँ यार। आंटी से मिलके इतनी खुशी हो रही है, बताइए कि अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं रामेश और आप देख रहे हैं बाबा फन आरआरसी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और बनान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। सो इस वक्त हम हैं लाहौर में, डीएचए फेज़ वन में हैं। किस लिए आए हुए हैं, क्या चल रहा है, और इस वक्त टाइम हुआ जाता है 9:07। तो भाई हम आए हुए थे डॉक्टर हॉस्पिटल्स और यहाँ पर अम्मी के दो टेस्ट जो है डॉक्टर ने लिख के दिए हैं, ETT और ECO। हमारा यही प्लान था कि भाई चेक करवा के तो है ना, टेस्ट जो भी होंगे वो करवा के तो हम रात और रात जो है ना वो वापस चले जाएंगे, बट ऐसा मुमकिन नहीं हुआ बिकॉज़ जो ETT और ECO है वो होगी सुबह, और रमज़ान की सूरत हाल भी आपको पता सारी चल रही है, तो मे बी रात हमें जो है वो फिर आज लाहौर में ही रुकना पड़े क्योंकि ये दो टेस्ट लाजमी कराने हैं अम्मी के। कौन है अम्मी जी? लाहौर। हाय, क्या क्या हो रहा था वालदा? मेहंदी लग रही थी। और क्या हो रहा था? चूड़ियां, वो स्टॉल लगे हुए सड़क पे। हाँ जी, मेहंदी भी सड़क पे चल रही है। वाह 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 वाह, हमारी नारोवाल वाली चांद रात से पहले एक चांद रात लाहौर में हो जाएगी। अच्छा जी, तो लाहौर में है बेतहाशा किस्म का रश ईद की वजह से। चांद का टाइम होता है 7:30-7:30-8 तक, बस उस बाद कितने टाइम रहता है, ये 10 देने जाके 11-12 बजे। गलत करते हैं ना मैं? गलत करते हैं, हमेशा गलत करते हैं। अच्छा, कितने बजे बताना चाहिए अभी चांद? 8 बजे, 9 बजे, 9 बजे। अच्छा, 10:30 बजे कौन सा चांद नजर आता है? जुल्म नहीं करा? अब ईद के लिए भी किसी ने पता नहीं शीर खुरमा बनाना है नहीं बनाना, सेवइयां बनानी है किसी ने, पता नहीं अगले दिन ही बनवाएंगे ईद वाले दिन। सही है, हम तो एक दिन पहले छुआरे बना के रख लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सही, वेरी गुड, हाथ शॉट, वेरी गुड, वेरी गुड। काली बना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? तबीयत से माशाल्लाह, हमने तो आपकी गाड़ी देखे जी, जी। तो ये पास ही हमारा घर है, आप चले। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर इतने हादसे ऐसे होते हैं, मोबाइल घर छोड़ के आई हूं। अच्छा, लगा नहीं यहाँ पर कोई बात ऐसी फटाफट पता पकड़। कोई बात नहीं, आज ही रमेश भाई। बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह। आप यकीन करें इतना मुझे शौक था मिलने का, अल्लाह ताला कहता ना कभी सुन ही लेते हैं। जी जी, बहुत सुन लिया अल्लाह। अली भाई नहीं आया साथ? नहीं, अली नहीं आया। अच्छा यार, वीडियो में मैंने कसम से मेरी कोई बात नहीं, मैं अपना मोबाइल का छोड़ आई हुई है। कोई बात नहीं, पूरी बनी हुई। कोई बात नहीं, अल्लाह ने मेरी सुन ली आज। कोई बात नहीं, मैं इस किंजा और आपकी इतनी फैन हूं ना, और इनके ये मेरा मोटिवेट है सीरियसली, मैं करती हूं यार। आंटी से मिलकर इतनी खुशी हो रही है, रमेश भाई से भी, और रेसिपीज तो ऑब्वियसली देखते ही हैं। अच्छा। लेकिन जो इनका व्लॉग है ना, खास तौर पे वो जो मरीक है, मैं देखते कि नहीं मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना। बहुत शुक्रिया, आप हमारा घर पास ही है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर किसी टाइम आएंगे आप। हो गया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे अभी चल रहा था फ़ैन मोमेंट। यार सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ आप सबका, पूरी YouTube फैमिली का। यार हम कहीं पे भी आप में से कोई भी मिल जाता है, इतना प्यार देते हैं आप सब, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, उसके लिए मैं दिल से आप सबका शुक्र गुज़ार हूँ। और ये जो अभी सिस्टर हमें मिली थी, महविश नाम बताया था उन्होंने, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सदा आबाद रहें, खुश रहें, जज़ाकअल्लाह। मैं दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ, मुझे दे दो, मैं दे देता हूँ, मुझे मैं दे देता हूँ। क्या कह रही है सारे? फोर्ट्रेस। कौन सी जगह? फोर्ट्रेस स्टेडियम। ओह जी, तो कहाँ है? वो हंस रहा है। पता ही नहीं सानू सरकार कितने आ गए हैं। अच्छा, पास नहीं ना पता है, ना पढ़े नहीं। अरे जब से तेरी तबीयत खराब हुई है ना, हमारे दिमाग ही काम करना छोड़ गए।
मुझे यूँ लग रहा है कि हम इधर बीमार है उसका काम कर रहा है, जो ठीक है उनका काम नहीं, नहीं कर रहा। जो बीमार होता है उसका कर रहा होता है, वो तो फ्रेश है, वो तो फ्रेश, उसको क्या है? उसको डॉक्टर भी पैंपर कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं पैंपर। तुमने टाइम लिया डॉक्टर आपने तो नहीं खाना, चलो आपको कुछ और भाई आप देख सकते हो रश की सूरत हाल, ये देखो। नहीं नहीं अम्मी ये सारा पीछे शॉपिंग एरिया है ना, हाँ सब शॉपिंग करने गए हुए हैं। फाइनली जी बाबा की फरमाइश पे हम पहुंच चुके हैं क्वेटा शनवारी पे जी। बाबा जी क्या खाना पसंद करेंगे? पुत्र देख ना मेन्यू, तुझे मेन्यू के लिए रखा होगा सही, रामेश में लेके जाऊंगा। सारा व्लॉग इस पीक पे पहुंचे हुए मैं आपको बता नहीं सकता। आपने तो बाप बड़ी पीक पे पहुंचा हुआ है। ठीक है ये लेंगे, आप अपने सबूत से बात करें। खाना बहुत अच्छा था, सो यहाँ पे फोर्ट्रेस में जो आए वो यहाँ से खाना खा सकता है, सबको खाना बहुत पसंद आया। बर्तनों की सफाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, उठ दिया सवारियाँ, उठ दिया सवारियाँ भाई, बस ऐसे ही है ना। A few moments later, अल्हम्दुलिल्लाह रूम में जो है वो चेक इन जो है कर लिया है और टाइम आप देख सकते हैं, और हमारा कोई प्लान नहीं था रात रुकने का, इसलिए मैं अपने चार्जेस वगैरह नहीं लाया था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जब आप कहीं जा रहे होते हैं, वैसे तो हमेशा हम कहीं रुकने का प्लान ना भी हो तो चार्जर्स वगैरह साथ रखते हैं, बट आज मैंने नहीं रखे थे क्योंकि मुझे था कि 10-11 बजे तक घर वापस आ जाना है, तो मोबाइल्स की बैटरीज जो हैं वो काफ़ी लो गई हैं। तो अभी मैंने होटल वालों से लिया अडॉप्टर, मैंने कहा रेगुलर कस्टमर होने का कोई तो फ़ायदा होना चाहिए ना, तो ये फ़ायदा आज मिला है। और वो कह रहे थे कि सुबह सहरी जो है ना वो बड़े मज़े की होने वाली है, 100+ आइटम है सहरी में। ओए होए होए, हमने तो अभी खाना खाया, पता होता तो मैं खाना ना खाता, सुबह सहरी करते टिका के 100+ आइटम्स के साथ। अभी तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, मे भी नींद मुझे नहीं लगता कि आएगी, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। आ जाएँ कम इन। वालेकुम सलाम, बच्चे दो गिलास उस रूम में, और ना ये वॉशरूम के स्लीपर नहीं है यहाँ पे, वो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई नींद तो आ नहीं रही थी, तो जैसे मैंने पहले बताया था, और जब एक शेफ़ सुन ले कि 100 डिशेज़ हैं तो मैं वही देखने के लिए आ गया हूँ। यहाँ पे हमारे पास मटर वाले चावल हैं, साथ चिकन का कोरमा है, यहाँ पे हलीम और वाइट राइस हैं, यहाँ पे हमारे पास अगेन चिकन निहारी है, और यहाँ पे कोफ्ते हैं हमारे पास, मटन कबाब मसाला और निहारी है। अच्छा इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जी दाल है, पालक है, आलू की भुजिया है, और जी यहाँ पे हमारे पास अगेन कोफ्ते और आई थिंक के विंग्स हैं, और यहाँ पे आलू अंडा और चने, यहाँ पे मुख्तलिफ एग्स की वैरायटी है हमारे पास, यहाँ पे ब्रेड्स की वैरायटी यानी रोटी नान वगैरह और पराठे, और यहाँ पे हमारे पास जी हलवा पूरी का सेटअप है, यहाँ पे जी हमारे पास मैक्रोनी का सेटअप है, चिकन मैक्रोनी और चिकन चाउमिन, यहाँ पे हमारे पास जी फ्रेंच फ्राइज और एग फ्राइड राइस है, और यहाँ पे हमारे पास अल्फ्रेडो पास्ता, शेफ स्पेशल ग्रेवी और चाइनीज़ ग्रेवी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई थोड़ा सा खाना मैंने डाल लिया है, साथ मैंने ले लिया पाइनएप्पल जूस, बिकॉज खाना काफ़ी लेट खाया था तो तलब तो नहीं है इतनी, लेकिन सहरी करना लाजमी है, थोड़ा बहुत खाना लाजमी है। तो भाई यहाँ पे है डेजर्ट्स का सेक्शन, और वाह भाई वाह क्या खूबसूरत किस्म के डेजर्ट्स हैं यहाँ पे, आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। तो भाई हम अपना डेजर्ट भी लाए हैं, ये छोटी पेस्ट्रीज हम लाए हैं, और थोड़ी सी हम लाए हैं खीर, और थोड़ा सा कैबेज सैलड। भाई सहरी तो हमारी हो चुकी है डन, अभी 5-6 मिनट रहते हैं सिर्फ, तो वायर मैं लेने आया हूँ आईफोन की जो मैं ले के गया था, तो यहाँ से दूसरी वायर हम उठा लेंगे, आईफोन की चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म होने वाली है जी।
सहरी में रह गए सिर्फ 5 मिनट और अब मैं वजू कर लूँ फिर नमाज पढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम, इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं रेडी हो चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ और टाइम हुआ जाता है 10 बज चुके हैं। सुबह हम निकल रहे हैं अम्मी के टेस्ट करवाने के लिए। तो भाई ये है ATT रूम और ये है एको रूम। एको हो चुकी है, ATT हो रही है अम्मी की। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी, 80% रिपोर्ट नॉर्मल है। 90% अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। ATT में थोड़ा सा 19-20 का प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह जो आई एम नॉट अ डॉक्टर, बस मुझे लगता है कि वो मेडिसिन से इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, जिस जिसने मैसेज किए, जिस जिसने कॉमेंट किए। मैंने स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पर, सब वहाँ पे मुझसे पूछ रहे थे अम्मी की तबीयत का। उन सब का तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ। वहाँ पे रिप्लाई मैं नहीं कर सका बिकॉज बिजी था आप सबके सामने। तो इंशाल्लाह जैसे फ्री होता हूँ आप सबको रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अल्लाह एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब आपके तो हर जगह फ़ैन है माशाल्लाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। 2000 years later. अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी इफ्तारी जो है वो यहाँ पे लग चुकी है। आज हमारे पास है चना चाट और क्या बनाया? मटन कढ़ाई। वेरी गुड, माशाल्लाह। हाँ जी, अगेन जी टिकटॉक की तरफ से रमजान करीम का गिफ्ट रिसीव हो रहा है। रमजान खत्म हो गया, रमजान और गिफ्ट अभी तक रिसीव हो रहे हैं टिकटॉक की तरफ से। तो ये एक और गिफ्ट जो है वो हमें रिसीव हुआ है, वही सेम जो पहले था ना, वही सेम। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी जो है वो हमारी डन हो चुकी है और अभी मैं सेंड कर रहा था अपने टीम मेंबर्स को ईदी जो गर्ल्स हैं उनको मेहंदी के लिए और जो बॉयज़ हैं या फैमिली वाले हैं उनको चॉकलेट्स के लिए या मिठाई के लिए। तो ये सब बताने का मकसद ये है कि ईद की छोटी छोटी खुशियों में अपने मातहत जो लोग हैं, आपके अंडर जो काम करते हैं या आपके साथ काम करते हैं, उनको ज़रूर याद रखें। आपकी छोटी सी एफर्ट उनके लिए बहुत बड़ी एफर्ट होती है, उनका दिल खुश हो जाता है, बस यही बताना था। भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं, अभी मैं और बाबा जी आए हुए हैं इजाज भाई और आदिल भाई के पास और बाबा ने गोश्त निकलवाना शुरू कर दिया। अभी गोश्त बनेगा, पैक होगा, देन बाबा इसको तकसीम कर देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गोश्त है, काफ़ी अच्छा गोश्त है। ठीक है बाबा, गोश्त ठीक है, प्योर भी उतर गया, सब अभी साफ होगा, बनेगा, देन हम पैक करके इसको तकसीम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बाज़ार में रौनकें लगी हुई हैं, ईद की रश ही रश है, रश ही रश है हर तरफ। और बाबा जी ने इधर गोश्त डालना स्टार्ट कर दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक हमारे सब कुछ अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं, आमीन आमीन। हाँ जी अम्मी जी, क्या कहेंगे, बाबा जी ने एक नया प्लान शुरू कर दिया आज। माशाल्लाह बेटा, मुझे तो इन्होंने बताया भी नहीं, मुझे तो आइडिया तक भी नहीं था, पर आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि आपने सबको अपने साथ ईद की खुशियों में शामिल किया। थैंक यू, अल्लाह ताला खुशी भी इसी से मिलती है। बिल्कुल, और हमें दिली खुशी होती है किसी को कुछ दे के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाओ भी खवातीन अपनी मेहंदी, माशाल्लाह। सबसे अहम काम जो चांद रात का था ना, जिसमें रश में हमने बहुत 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 प्यारी मेहंदी लगी है। अल्लाह आपको मेहंदियाँ लगवाना और इनको हंडाना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। एक दफा फिर दिखा देना सामने से, सीधे हाथ पे भी लगी है। मैंने तो एक इधर लगवाई है, मैंने अम्मी की बात देखी, मैंने कहा मैंने आपने पीछे नहीं लगवाई। मैंने इधर नहीं लगवाई, मैंने सीधे इधर लगवाई। मैंने बात करो है कल बना के खाना ही, ठीक है, ले जा भी चिड़ी, तू भी ले जा घर, ले जाओ ले जाओ ले जाओ।
आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड आप सबको चांद रात बहुत 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 मुबारक हो, और आपने कमेंट करके बताना है कि आप चांद रात कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मेहंदी लगवाते हैं या नहीं, और चूड़ियों का क्या सीन होता है भाई। हमने भी चूड़ियां लेने जानी है, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा, ठीक है। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, हैंडल चल रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने और अपने प्यारों का अगेन ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारे क्यूट क्यूट से फैमिली व्लॉग अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।